नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त चैनल का होस्ट चार्ली, एक बार फिर से नई वीडियो के साथ। आज मेरे साथ वापस है भावेश। अब हम बात करने वाले हैं उन लोगों की, जो लोग जिम जाना शुरू किया है, नहीं किया है तो प्लीज जिम जाना शुरू कर दिए, क्योंकि आपको वजन बढ़ाना है तो बॉडी बनानी है, जिम जाना शुरू करिए, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो हमने 6 दिन की ट्रेनिंग की, उसके बाद 6 दिन और ट्रेनिंग की, मतलब टोटल 12 दिन हो गए और उसमें से 2 दिन रेस्ट है, मतलब 14 दिन। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी तो जाके देख लीजिए, प्लीज मजा आएगा आपको। तो अब बात करते हैं आज की शेड्यूल से स्टार्ट करते हैं। अगर आप जिम में जाते हैं ना, याद रखें टॉवल वगैरह यूज करें, हो सकता है आप जिस स्टेशन पे एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिस मशीन पे एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपका पसीना लगा हुआ है, कोई और करेगा उसको लग जाएगा, इन्फेक्शन हो सकता है, सो यूज अ टॉवल। ओके, ये तो बातें हो गई। अब करते हैं प्रॉपर ट्रेनिंग की बात। आज हम करने वाले चेस्ट मसल को ट्रेन, यानी कि ये वाला हिस्सा, चेस्ट मसल एक इधर वाला एक इधर, दोनों एक साथ में ट्रेन करेंगे। वार्मअप के बिना वर्कआउट कभी ना करिए, ध्यान रखना यार। तो अब हम करने वाले पहली एक्सरसाइज बेंच प्रेस। अगर आपके मशीन में बेंच प्रेस मशीन नहीं है, इस तरह का पावर बेंच नहीं है, कैमरामैन थोड़ा मेरे भाई दिखाइए, अपना थोड़ा अलग सा मशीन है और अक्सर ऐसे जिमों में होता नहीं है, दोस्तों बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये इतना कंफर्ट होता है कि अगर अपने हाथ से वेट छूट भी जाए तो नीचे गिर जाता है और अपने को लगता भी ना साइड में रह जाता है, अपने बीच में खुले खुले हैं, ठीक है। और इस तरह की बहुत सी मशीनें हैं, आप चाहो तो कर सकते हैं। सो ये मशीन हो सकती है या फिर दूसरी मशीन, लाइक अपनी ओलंपिक बेंच भी हो सकती है और उस पर बार लगी होती है, उस पर लगा लीजिए, उस पर नहीं लगा सकते इस तरह से लगा लीजिए। नहीं समझ में आता है आपके आपकी जिम में ट्रेनर होगा उससे पूछ लीजिए, वो बता देगा आपको, ऐसे नॉलेजेबल आदमी होगा इसको। ओके चलो, सो जाइए, इसको कैसे करते हैं मैं बताता हूँ आपको। बिल्कुल ग्रिप एकदम निप्पल के पास रखनी है, ठीक है, थोड़ा सा आगे जाइए, यस, निप्पल के पास बिल्कुल ग्रिप, आराम से इसको ऊपर उठाना है, यस, फिर धीरे से नीचे वापस जाना है। ओके, जब ऊपर आओगे सांस बाहर, सांस भर के नीचे वापस, स्लोली स्लोली नीचे, यस, धीरे से वापस नीचे, गुड। याद रहे जब भी ऊपर आओगे चेस्ट को टाइट करना है, मतलब सीना टाइट होना चाहिए आपको, अगर टाइट नहीं हो रहा है तो आपको वहां पे फर्क नहीं पड़ता है, और शुरुआत में नहीं भी हो रहा है तो एक्सरसाइज करना सीख लीजिए, स्लो स्लो करिए, मजा आएगा आपको, ठीक है। शुरुआत में अक्सर ऐसा ही होता है, अगर आप सीखोगे नहीं तो करोगे कैसे, प्रैक्टिस आपको पूरा बनाती है, ठीक है। कम वेट से शुरू करना है, पहला दिन है चेस्ट का, धीरे धीरे बढ़ाना है, 3 सेट लगाने, 12 से 15 रेप्स, अगर वेट नहीं बढ़ा सकते सेम वेट में लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं दूसरी एक्सरसाइज की, चलिए भाई भाई दूसरी एक्सरसाइज। अब हर सेट के बाद आराम करें, उसका थोड़ा पानी पिए, पसीना आया तो पसीना पोंछे, अक्सर कहता रहता हूँ, याद रखिए। अब दूसरी एक्सरसाइज करने वाले हैं हम इंक्लाइन बेंच प्रेस। अगर आपकी मशीन में स्मिथ मशीन नहीं है आपकी जिम में, तो ऑब्वियसली आपकी जिम में एक इंक्लाइन बेंच तो होगी होगी, अक्सर होती है वहाँ पे, आप लगा सकते हैं, ठीक है। आराम से ग्रिप, देखो सबसे पहली चीज ग्रिप की, कोई भी एक्सरसाइज करते हो ग्रिप बनाना सीखे। अक्सर क्या करते हैं लोग, बिल्कुल अंदर पकड़ते हैं, बिल्कुल बाहर पकड़ देते हैं, चौड़ा सा एक कम्फर्ट होना चाहिए कि हाँ भाई कितनी ग्रिप मेरे लिए ठीक है, इसमें मैं अपने आप को कम्फर्ट रखता हूँ। नहीं समझ में आता है तो जहाँ शोल्डर शुरू हो रहा है वहाँ से हल्का सा दूर आप हाथ रख के ग्रिप बना दीजिए, शुरुआत है, ठीक है। आराम से लिफ्ट करिए वेट को। अब याद रहे इसको लाना कहाँ पे, आपके गर्दन और चेस्ट के बीच में, ठीक है, जहाँ गर्दन खत्म होती है और चेस्ट शुरू होती है वहाँ पे रोड को लाएंगे आप, आपकी बार आएगी बिल्कुल नीचे, आराम से नीचे, आराम से ऊपर ला के चेस्ट को वापस टाइट कर देना, ये वाला हिस्सा टाइट होना चाहिए। ओके, वापस धीरे धीरे नीचे, वापस धीरे धीरे ऊपर, नीचे धीरे धीरे ले जाओ, बिल्कुल जब भी ऊपर आते हो सांस बाहर, नीचे जाते सांस लेनी है, ऊपर आके छोड़ देनी है, और आराम आराम से लगाना है, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं। मैं एक चीज कहूँ आप लोगों से, ये बहुत लंबा गेम है, अक्सर कहते हैं ना बॉडी बनाना बहुत आसान है, आसान है मेरे भाई, अगर आप टाइम दो तो, आप जिस चीज को जितना टाइम दोगे वो चीज आपके पास जरूर आएगी, अगर आप टाइम नहीं दोगे तो आएगी नहीं, बस ख्वाबों में रहेगी यार, हो जाएगा। ओके, बात करते हैं एक्सरसाइज की, इसके 3 सेट लगाने, आराम आराम से कम वेट से शुरू करना है, थोड़ा सा बढ़ाना है, ठीक है, 12 से 15 रेप्स लगाओ, 3 सेट लगाओ, 1 सेट के बाद आराम करो फिर से, उसके बाद करो नेक्स्ट एक्सरसाइज, क्योंकि लास्ट तीसरी एक्सरसाइज पे पहला दिन है, तीसरी एक्सरसाइज करेंगे। ओके,
फ्लाई एक्सरसाइज करेंगे, फ्लाई वेरिएशन करेंगे हम, ताकि चेस्ट में जो कटिंग आती है ना, आप देखते हो अरे यार चेस्ट में गड्ढे आ रहे हैं बीच के, उसके लिए कर रहे हैं। एक बार में तो नहीं आने वाले गड्ढे, थोड़ा टाइम तो लगेगा। ठीक है, ओके, ग्रिप बनाइए। याद रहे आप इस बेंच पे बैठोगे, आपकी मशीन होगी, तो आप जो ग्रिप बनाओगे ना वो आपके शोल्डर के बिल्कुल थोड़ी सी बराबर आनी चाहिए, ना कि हाथ ऊपर रहेगा ना कि नीचे रहेगा। ठीक है, अब दोनों हाथों को ऊपर लाके चेस्ट को टाइट कर देना आगे, जैसे टाइट होगा हवा बाहर हमेशा पीछे जाएगा, हवा बिल्कुल भर देनी है अंदर, सांस लेनी है। अब सांस बाहर, गुड, वापस पीछे, यस वेरी गुड, स्लो स्लो लगाना है, तीन सेट लगाने, 12 से 15 रेपिटेशन, हर सेट के बाद आराम दो, 1 मिनट 2 मिनट। और ऐसा जरूरी नहीं है आपको 1 मिनट 2 मिनट आराम करना है, जब आपको लगे कि यार मेरी सांस बहुत ठंडी हो गई है अब मैं लगाता हूँ, लेकिन बॉडी गर्म रहनी चाहिए, वो मसल एक्टिव रहना चाहिए कि हाँ भाई चेस्ट लगाया, चेस्ट में फर्क आ रहा है, और अब चेस्ट वापस लूज होने लग जाए, टाइट रहना चाहिए। तीन सेट लगाने, गुड। अब करते हैं एक और एक्सरसाइज, अगर आप में थोड़ी सी जान बचती है तो। अक्सर क्या है, पुशअप लगाना लोग भूल जाते हैं, क्या करते हैं जिम में जाते हैं यार फटाफट मशीनों पर एक्सरसाइज करते हैं, बेसिक बहुत जरूरी है। सो बेसिक पुशअप्स लगाने हैं, फिर से बता दें कैसे पुशअप्स लगाते हैं। यस रेडी, चेस्ट बाहर आराम से, सामने देखना है, याद रहे आप बिल्कुल एकदम स्ट्रेट रहे, पूरी बॉडी नीचे जाएगी, पूरी बॉडी नीचे चलो, पूरी बॉडी ऊपर एक साथ। ठीक है, लोग अक्सर क्या करते हैं, मार्च करके देखा ना, यस बस इस तरह से करते हैं, क्या है ये वाला बॉडी पार्ट हिल नहीं रहा, बस इस पे जोर लगा रहे, कह रहे भाई कंधे दुखने लगे कुछ हो जाएगा, तो पूरी बॉडी ऊपर पूरी बॉडी नीचे, आराम आराम जितने पुशअप्स लगे लगाओ, उसके बाद आप रेस्ट करो, कर जाओ, एंड खाना वाना खाओ, थोड़ी बॉडी बन जाएगी यार, बॉडी बनाना कोई मुश्किल काम नहीं, बस टाइम दो एंड करते रहो करते रहो करते रहो, हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक एक्सरसाइज हम कल करने वाले पैक की एक्सरसाइज। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, ख्याल रखना।